31 अक्टूबर को सरदार पटेल की जयंती को शानदार और लाजवाब ढंग से मनाने की शुरुआत सूरत के सरथाना इलाके में की गई। रविवार को इस मौके पर आयोजित होने वाले खेल महाकुंभ का आगाज हुआ, जिसमें 1000 से भी ज्यादा छात्रों और खासकर सीनियर सिटीजन ने हिस्सा लिया, जिसका आयोजन सरदार धाम विश्व पाटीदार की ओर से किया गया है, जिसका मुख्य उद्देश्य न सिर्फ पाटीदार समाज के प्रणेता सरदार पटेल की जयंती को मनाना है, बल्कि बड़ी संख्या में पाटीदार समाज को एक साथ लाकर उन्हें एकजुट करना है। पाटीदार समाज एकता और भाईचारे के साथ एकजुट होकर विकास के रास्ते पर अग्रसर हो, इसी हेतु से हर साल इस तरह के आयोजन करते रहते हैं। सरदार धाम विश्व पाटीदार आयोजित ओलंपिक सरदार ओलंपिक जे आज सूरत खाते रमाई रही छे। अंदाजित सूरत में अत्यारे 1000 થી 1100 स्टूडेंटो विद्यार्थीओ तथा 60 વર્ષની ઉંમરના સુધીઓ ભાગ લીધેલો છે। સરદાર ધામનો ઉદ્દેશ ફક્ત એટલો ને એટલો જ છે કે વિશ્વ લેવલે પાટીદાર સમાજની એકતા થાય। આજે અહીંયા સુરતમાં મોટા વરાછા ખાતે લગભગ 1000 થી 1100 વિદ્યાર્થીઓ અને એ ઉપરાંત સિનિયર સિટીઝનોને એક ઓલિમ્પિક્સની સ્પર્ધા અબ્રામા રોડ સ્થિત પીપી સવાણી સ્કૂલના ગ્રાઉન્ડમાં આજે અત્યારે રાખવામાં આવી છે। इस खेल महाकुंभ में अलग अलग तरह के खेलों का समावेश किया गया है, जिसपे बड़ी संख्या में पाटीदार समाज के लोग शिरकत कर रहे हैं और इन सभी खेलों का फाइनल 31 अक्टूबर को सरदार पटेल जयंती के मौके पर अहमदाबाद में खेला जाएगा और विजेताओं को पुरस्कृत किया जाएगा। फाइनल आयोजित कार्यक्रम 31 अक्टूबर है, सरदार जयंती निमित्त अहमदाबाद खाते रमाशे। रविवार को वराछा इलाके से मशाल रैली निकालकर पीपी सवानी स्कूल में इस खेल महाकुंभ की शुरुआत की गई और इस मशाल रैली के जरिए भी पाटीदार समाज ने अपनी एकता और एकजुटता की मिसाल पेश की। सूरत से सुनील पाटिल की रिपोर्ट।